हे गाइस, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आपका एक अच्छे से ब्लॉग में स्वागत करते हुए, तो ये आ गया है फाइनल डे हमारा। जो चिमनी वाले भैया आए थे यहाँ पे, तो उसी का प्रोसेस में लगे हुए थे, और ये बाहर में दिखा रही थी कि अब फाइनली चिमनी भी लग जाएगी। और अंदर मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, नहा धो के मैं अपना अंदर पूजा कर रही थी। और गाइस, थोड़ी सी आवाज़ में ना सांस भी आ रही होगी फूलने की, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन ही है। और चलो, आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टे ट्यून। और यहाँ पे फाइनल भैया ने चिमनी भी लगा दी थी। इसके बाद जो है ना गाइज, ये हेल्प कर रहे थे, इसकी पाइप होती है जो पीछे से जाएगी धुआं। और ये जो मेरी वीडियो बनाई थी ना, ये बनाई थी बच्चे ने, देखा कितनी अच्छी वीडियो बनाता है ना। हेलो, क्या कर रहे हो? हमने फोन करा है ना, वो बंदूकी वाली। हाँ जी, वो है ना। अरे ये तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। ये क्या कर रहे हो बेटा? सो गए, चिमनी लगने के बाद तो चले गए थे भैया वो, और ये अब काम रह गया था। एक शीशा जो लगना होता है ना, जिसमें से बाहर कटिंग जाती है, तो ये इस भैया आए थे शीशा कटिंग करने, और यहाँ शिवांश अंदर बैठ के अपनी ड्राइंग कर रहा था। और बस यही सब प्रोसेस चल रहा है, देखते रहिए आप। सो गाइस, ये देखिए बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज़, ये देख सकते हैं आप। और मैं अपने टावर 3 से उधर आई हूँ, नीचे ही बारिश से हमें लेना देना नहीं है, अच्छी बात यह है। और अब आ गई मैं टावर 1 में और शिवांश के ट्यूशन के लिए। तो टावर 3 से सिर्फ मुझे टावर 1 में आना पड़ता है, 9 फ्लोर पर शिवांश की दीदी है, वो पढ़ाती है उसको। और बारिश इतनी तेज़ है ना बहुत, शिवांश कह रहा था मैं कैसे जाऊँगा बारिश में, भीग जाऊँगा। मैं कह रही उसका तो कोई इश्यू है ही नहीं बेटा, हम नीचे आते हैं। क्या पढ़ा हुआ था? सो शिवांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है लिफ्ट के लिए, मुझे कहाँ जाना है कैसे। नहीं, डोंट टच एनी नंबर, इधर देखो, हेलो करो। कहाँ जा रहे हो आप? 9 पे। किस चीज के लिए जा रहे हो? 9 पे स्कूल जा रहा हूं मैं, 7th फ्लोर। छोटे में जा रहा हूं, छोटे लिफ्ट में जा रहे थे अंकल। ऊपर जा रहे क्या? हां नहीं, चाय के लिए नहीं आपने अंकल, आप आओ घर पे चाय पियो। बारिश हो रही है, स्कूल कौन सा है अपना?
सो गाइज देखो फाइनल फ्रिज जो है अपनी जगह पे आ गया है, यहाँ पे सेट हो गया। इसके पापा काफ़ी देर से इसको सफाई कर रहे थे, फ्रिज पीछे से पानी स्टोर हो रखा था उसको, और इसके अंदर से सफाई कर दी। थोड़ी देर इसको बंद रखा, यहाँ पे इसका स्विच था, देखिए पावर वाला स्विच यहाँ पे लगा था, इसको बाहर निकाल के अंदर से जो कनेक्शन इसका बाहर ले लिया था। और फाइन मतलब मुझे इसके लिए अच्छे से कवर लेके आना है और नीचे का स्टैंड, तो उससे क्या है कि अच्छे से सफाई हो जाएगी। और यहाँ हमने रखा, पहले मैंने यहाँ के लिए सोचा था कि फ्रिज में अपना यहाँ रखूँगी, बट यहाँ पे ना वही है रास्ता निकलने के लिए, और मतलब वही है कि एक इसका यहाँ पे क्वालिटी भी नहीं था, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए और मेरे किचन का फाइनल हो गया है। शिवांश अच्छे से मौसम में मक्खियाँ आ गई हैं यहाँ पे, और यहाँ मैंने शिवांश को चटाई बिछा के अपने पास बिठा लिया, शैतान बच्चा। सो गाइज वो मेरे पास बैठ के कर रहा है अपना होमवर्क, उसका होमवर्क काफ़ी सारा होमवर्क करता रहेगा, और मेरा इधर मैं पराठे बना रही हूँ। सो मेरे दोनों काम हो रहे हैं और मैंने आपसे भी बात कर ली है। सो गाइज इधर मेरी चाय बन गई। सो फ्रेंड्स चिमनी वगैरह सब तो पाइप अब तो सब हो गया, लेकिन ना फाइनल एक चीज़ का वेट है कि ये गैस ना अपनी जगह कब जाएगी, और फाइनली गैस का दिन आ गया। सफाई कर रहे थे वहाँ पर, सेट किया है काफ़ी अच्छे से, काम करो जल्दी से। और गाइस सो गाइस ये एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें हमारा आया था, एक्चुअली चिमनी आई थी जिसमें, और ये उसके साथ की पाइप थी, इसमें मैंने अपना ट्राइपॉड रख दिया है। एंड गाइस मैंने इस बड़े से इस बॉक्स को मैंने यूज़ में ले लिया है, और ये आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। सो गाइस यहाँ मेरा रखा था, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ रखा था मेरा फ्रिज, और आवाज़ ना करो बेटा, यहाँ रखा था मेरा फ्रिज, तो ये फ्रिज का स्पेस था और खाली था यहाँ पे, तो मैंने इसको बड़े बॉक्स को इसके नीचे सपोर्ट लगा के, और मतलब उस पर रख दिया मैंने ये बॉक्स, और उसके अंदर रख दिया मैंने एक बड़ा वाला बैग जिसमें सर्दियों के कपड़े हैं और शिवांश के कुछ कपड़े हैं, वो सब मैंने इसमें स्टोर कर दिए हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा डाला, और ये जो इधर उधर इसके टॉयज़ बिखरे पड़े थे उनको यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा दिया है। सो मुझे ये देख के तो बड़ा प्यारा लग रहा था, आपकी शायद मैंने भी ये शेयर किया है, कैसा लग रहा है बताना मुझे गाइस। और ये मेरे साइड में मंदिर है। ये मेरे पास सूजी रखी थी और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, साफ कर लिया देख के, और आज रख दिया मेरे यहाँ पर चूल्हा, और चिमनी भी सेट हो गई है ऊपर, और ये बच्चा आया है बाहर से जिम के, शैतान बच्चा। एंड गाइस मैं अब बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी रसोई में यहाँ पर चूल्हा रखा है, तो कहते हैं ना पहली बार रखा है तो कुछ मीठा हो जाए, तो इसलिए मैं बना रही हूँ सूजी का थोड़ा हलवा। वैसे तो रात के 8:30 बजे हैं, बट मैंने अभी दीपक वगैरह जब जला के, और मैं थोड़ा सा मीठा बना लूँगी ना, तो क्या कहते हैं सब प्रेम प्रसाद भगवान जी के आगे भोग भी लगा दूंगी, और शिवांश और हम सब खा भी लेंगे, बाद में मैं कभी सब आपके अपने दही देवताओं के लिए और कुछ कन्याओं के लिए मैंने बना लूंगी बाद में, तो वो मैं सोमवार को सोच रही हूँ सोमवार को बनाऊं। लेकिन आज क्योंकि पहली बार यहाँ पे गैस रखी है, चूल्हा रखा है, तो मैं बनाने अभी पहला मैं बनाऊँगी यहाँ पर मीठा यानी कि हलवा। और देखो आज मेरी गैस भी कितनी शाइन कर रही है, ये चमका दी है बिल्कुल चकाचक, तो देखने। और यहाँ पर रखी हूँ मैं अपनी नई कढ़ाई, वैसे तो इसमें बना चुकी हूँ मैं पहले भी, और आज मेरी ना कम्युनिटी भी मिली आज मुझे, तो मैं इसके लिए भी बहुत हैप्पी, इसलिए मैं इस खुशी में थोड़ा मीठा भी बना रही थी, दोनों काम के लिए मैं मीठा बना रही हूँ यहाँ पे। तो चलो फिर गैस ऑन कर लेते हैं, और ट्राईपॉड की सहायता से नहीं बना रही हूँ, अच्छे बना रही हूँ बिना ट्राईपॉड के, कर लेते हैं फिर एक नंबर, अभी तो नहीं चलाना चाहिए इसको। कि मम्मी आप पंखा चला दो, ये पंखा बोल रहा है इसको, और यहाँ पर चेयर लगाई है भैया जी ने, और देख रहे हैं कि जल्दी से हलवा कैसे बनता है। सो हलवा का भी ब्राउन कर रही हूँ, तो यहाँ शिवांश ने फैन भी चला दिया है, इसको लग रही है
थोड़ी गर्मी, और यहाँ मैंने गैस को थोड़ा फ्लेम को कर लिया है कम, और जितना ये हल्के हल्के गैस से फ्लेम से ही ये धीरे धीरे ब्राउन होगी। और अब मैं इसमें यहाँ पे डाल दूँगी 2 चम्मच इसमें फ्रेश मलाई और 1 चम्मच डालूँगी घी, इसके साथ ही मैं इसको हल्का सा भूनूँगी। तो मैं अभी 1 मिनट के लिए ज़रा मलाई को हाँ मम्मी बन गई आज हलवाई। और शिवांश क्या कह रहा, मैं क्या बन गई हलवाई, मम्मी बन गई हलवाई, और कह रहा अरे हाँ मेरे हाथ से ये खींच रहा है अपनी तरफ। मैंने कहा बेटा ये हवा तो दे नहीं रहा, मैंने कहा इसे ना गैस ये जो स्टीम होती है उसको खींचता है अपनी तरफ कि अरे हाँ मेरे हाथ को खींच रहा है। दिख रहा है ना आपको, अब ये हो गया है पूरा ब्राउन, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, फिर वो ना इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ब्राउन में नहीं है ये, थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है मुझे। हाँ जी, तो बस ये थोड़ा सा मुझे पूरा येलो दिख रहा है, तो बस मुझे इतना ही रखना है। अब इसके अंदर मैं दिखाओ, अगर आप दिखाओ ऐसे करके कैमरा पकड़ो। तो गाइस ये मम्मी ने पानी डाल दिया है और ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा और पानी चाहिए याकि वो ब्राउन ब्राउन हो जाए। अब मुझे दिख रहा है वो ब्राउन ब्राउन, और मम्मी ने पूरा पानी डाल दिया। मम्मी अपना हाथ हटा लो, अपना हाथ हटाओ। मुझे तुम्हें खुशबू आ रही है गाइस, आ रही है ठीक है, शुरू हो गए इसको कंटिन्यू। मुझे तो बुलबुले नहीं दिखना है यहाँ पे, मुझे कंटिन्यू इसको चलाते रहना पड़ेगा, चलाते रहना पड़ेगा मम्मी को। इस कंडीशन में हम कर लेते हैं इसमें चीनी ऐड, थोड़ा चीनी तो है, थोड़ा चीनी डालेंगे इसमें, ये मीठे में इसमें थोड़ा मीठे हो जाए, यानी इतनी सारी चीनी डाली है। और शिवांश को बता दो, शिवांश को कौन सा वाला हलवा पसंद है, सूजी का या आटे का या बेसन का? मुझे पता है आटे का अच्छा लगता है। और शिवांश को सबसे ज्यादा जो हलवा पसंद है वो है आटे का, ना ही उसे तो मैं गाजर का हलवा खाना गाजर का हलवा भी गाजर का हलवा। हमारी नई किचन में बन गया है हमारा हलवा, फर्स्ट हलवा हमने बनाया है मम्मी, हो गया ना किचन में। चलो मम्मी ने हलवा बना दिया है, बहुत ज्यादा हिला रहा होगा कैमरे को तो मैंने उससे कैमरा ले लिया। आप अंदर चले जाओ बेटा, अंदर फैन चला लो, कह रहा है मुझे गर्मी लगी है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। इसमें ये येलो दिख रहा है बट ये यहाँ से ना ब्राउन है ये, क्योंकि इसकी लाइट से शेड जो पड़ रही है वो येलो लाइट है। बंद करते हैं, चलो लाइट को बंद करते हैं और फिर ये देखिए, आपको प्रूफ दिखाया है मैंने, ये सिर्फ लाइट का ही कमाल था। देखो ये ब्राउन नहीं है, तकिए का है इसे हटना लगे। और यहाँ पे भी ना मैं 1 चम्मच इसमें घी ऐड करूँगी। अब कुछ लोग ना इसमें इस कंडीशन में भी मलाई को ऐड करते हैं, बट अब ये भूख लेने लग गया। अब इसके चाहे तो आप इसके अंदर जितने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए इस पेस्ट पे। और यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कर दिया है स्लो, और यहाँ मतलब मेरा ये पूरी तरह से थिक हो चुका है, लेकिन इसको मैं 1.5 मिनट तक और चलाऊंगी, और तब तक ये ना अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। और ये जो दानेदार से खिला खिला से जो बनता है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद मैं इसके थोड़ा भोग लगा देती हूँ भगवान जी के नाम का, और थोड़ा गाय के लिए रखूँगी निकाल के, अपने दही देवताओं के लिए रखूँगी, और फिर शिवांश और उसके पापा को दूँगी। और फ्रेंड्स सब आप सब भी मेरे साथ तो शामिल हैं ही, आपने मुझे मेरे साथ तो खैर हलवा को बनवाया ही है, और बताना मुझे किस तरह से बना है। और यहाँ मेरे पास क्योंकि नहीं है ड्राई फ्रूट्स, तो मैं ड्राई फ्रूट सॉरी उसके बगैर थोड़ा अधूरा सा लगता है। शिवांश को लगा रहे कब तक बनाते रहोगे, बंद तो हो गया लूंगी गाय के लिए। और ये है ये कान्हा के लिए, ये कृष्णा राधा रानी के लिए, और ये है
शिवांश के पापा के लिए। और ये अम है, अम है। ये शिवांश के लिए। अम मेरे हैं। तो मैं और दादू मम्मी ऐसे तो मुझे काम नहीं है। ऐसे तो मेरा काम नहीं चलेगा, थोड़ा और डाल दो। जल्दी जल्दी डाल दे। इसमें और डाल देती हूँ। मम्मी थोड़ा और डाल दो मेरे। इसलिए राधा रानी, जय राधा रानी लड्डू गोपाल, जय गणेशा, गणेशा। हलवा खा लो। ये रहा इनका। जय गणेशा, हलवा खा लो। ये रहा। जय जय। और मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए, आप सब के लिए, जितने भी वीडियो देखे पीछे से बनाओ ना, गलत बात है। और यहाँ शिवांश का डांस निकल, हलवा खा के शिवांश ने हलवा खाया और डांस निकल।